हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल बनाना केक। तो ये होममेड बनाना केक किस तरह बनाए जाते हैं देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 बनाना, उसको मैंने स्लाइस करके रख दिया है, देखिए इस तरह से। और ये जो बनाना है साउथ की बनाना है। और हमें चाहिए शुगर, तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 टेबल स्पून शुगर लिया है। और हमें चाहिए 2 टेबल स्पून आटा, वीट फ्लोर, और हमें चाहिए राइस फ्लोर 1 टेबलस्पून। तो इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और शुगर आपके हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास ये बनाना नहीं है तो आप सादा बनाना भी डालकर आप बना सकते हैं। ये साउथ की जो शॉप आपकी अगर होगा तो केरला स्टोर या कुछ शॉप रहेगा ना, वहाँ जाकर ये बनाना खरीद कर इस तरह बनाइएगा। और हमें चाहिए 3 अंडे, और इलायची भी चाहिए, 5 से 6 इलायची लिया है मैंने, उसका भी पाउडर करके लेना है। अभी एक पैन रख देंगे, घी ऐड कर लेंगे। तो घी गर्म होते ही हम इस पर ऐड कर लेंगे बनाना, और अच्छे से इसको सोते करके ले लेंगे। हल्का सा ब्राउनिश करके लेना है ताकि हमारा बनाना एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये जो रेसिपी मैंने इसी तरह घर पर ऐसे ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे को और बड़े को एक ही जैसा पसंद आने वाला रेसिपी है। तो कभी ना कभी इस तरह वैरायटी डिश बनाकर बच्चों को दे दीजिएगा, उनको बहुत ही अच्छा लगेंगे। और ये जो बनाना है बहुत हेल्दी बनाना है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा जो केरला साउथ की जो बनाना है, तो उसका डिटेल्स आपको पूरा वहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही एनर्जी देने वाला एक बनाना है ये। और वेट जिसको बढ़ाना है उसके लिए ये जो बनाना बहुत ही अच्छा है, तो ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा। इस बनाना को बॉयल करके भी आप खा सकते हैं, और स्टीम्ड बनाना करके उसे खा सकते हैं, और आप चाहे तो बनाना फ्राई बनाकर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऊपर जो आई बटन दिखेगा ना, वहाँ पर मैं ज़रूर इस रेसिपी ऐड कर लूँगी, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैं बनाना फ्राई और बनाना स्टीम करके वो जो रेसिपी मैंने पहले ऐड किया था, आप सब ज़रूर इसे ट्राई करना। तो देखिए, हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। बनाना हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसको साइड पर रख देंगे और एक दूसरा एक बाउल ले लेंगे। इस बाउल पर अभी हम इस अंडे को तोड़कर डालेंगे, ताकि हमें अच्छे से इस अंडे को अच्छे से बीट करके लेना है, एकदम अच्छे से फेट कर लेना है। आप अंडे को एकदम अच्छे से फ्लफी जैसा फेट कर लेना है, ताकि हमारा जो बैटर है एकदम सॉफ्ट बने। तो मैंने तीनों अंडों को इस पर ऐड किया है, और शुगर भी ऐड करना है, और अच्छे से इसको मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, एक वैरायटी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा, आप इसे स्टीम करके भी बना सकते हैं। तो मैं इसे कुकर में आज बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं इस पर हमने जो मिक्स करके रखा था आटा और राइस फ्लोर, उसको भी इस पर डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी लम्स ना आए, अच्छे से उसको मिक्स कर देना है। तो देखिए, एकदम अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम जो बनाना हमने फ्राई करके रखा था ना, उसको भी ऐड करना है, और इलायची पाउडर भी ऐड करना है। बनाना को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया था, उसे भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। बच्चे को आप इवनिंग स्नैक्स करके या ब्रेकफास्ट या टिफ़िन बॉक्स में भी आप इस तरह का बना कर दे सकते हैं। तो इस वैकेशन में आप इस तरह का अलग अलग रीति से बच्चे को बना कर दे दीजिएगा, उनको ज़रूर पसंद आएंगे। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा रेसिपी। तो देखिए, हमारा बैटर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी मैंने कुकर रख दिया है, कुकर को अच्छे से हमने गर्म करना है, और इस पर मैं घी ऐड कर रही हूँ, ताकि हम डायरेक्ट में कुकर में इसको इस बैटर को ऐड करने वाली हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो आप इडली स्टीमर में भी इसे बना सकते हैं। तो इस पर थोड़ा संभाल कर करना चाहिए, अगर आपने फ्लेम ज़्यादा बढ़ा दिया तो नीचे से जलने के जल जाएंगे। इसके लिए आप स्टीम करके भी इसे बना सकते हैं। तो मैं अभी कुकर में इसको बना रही हूँ,
और इसे अभी हमें ढककर पकाना है। आप चाहे तो रेसिंस और काजू भी ऊपर से डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंने इस पर ऐड नहीं किया है। इस बैटर को मैंने इस कुकर में अच्छे से डाल दिया है और थोड़ा सा हिला देना है ताकि इवनली और अच्छे से मिल जाए। और अभी हम इसको ढककर पकाएंगे और इस विसल को हम हटा देंगे और एकदम अच्छे से ऊपर से स्टीम आपको दिखेंगे तभी इस विसल को लगाइएगा। और एक सीटी बजने के बाद फ्लेम ऑफ कीजिएगा तो फटाफट से हमारा जो ये बनाना का जो स्वीट रेसिपी है एकदम जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और आप चाहे तो इडली स्टीमर में भी इसे बना सकते हैं, उससे आप कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जलेंगे भी नहीं, नीचे से अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो ये बनाना केक या बनाना पुडिंग भी बोल सकते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इसे आप एक बार तो ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए हमारा बनाना केक यहाँ पर रेडी हो चुका है, अभी हम इसको निकाल कर स्लाइस करके ले लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर भी करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।